वेल, मनी लॉन्ड्रिंग केस के चलते इन दिनों बॉलीवुड के दो दिग्गज के बीच जंग छिड़ी हुई है। नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस एक दूसरे के आमने सामने हैं। हर दिन इस केस को लेकर नया अपडेट सामने आता है और अब इस कंट्रोवर्सी लड़ाई में नया मोड आ गया है। तो चलिए आपको बॉलीवुड की इस मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल फाइट के बारे में आए इस नए अपडेट के बारे में बताते हैं। दरअसल ठगी सुकेश चंद्रशेखर मामले में जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही से लंबे समय से पूछताछ चल रही है। आरोपों से तंग आकर नोरा ने जैकलिन के खिलाफ मानहानि का केस किया और अब नोरा के आरोपों पर जैकलिन के वकील का बड़ा बयान सामने आया है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जैकलिन के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा, मेरी क्लाइंट जैकलिन ने कभी भी नोरा फतेही के खिलाफ कुछ नहीं कहा है, ये कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है। जैकलिन ने जो भी बयान दिया है वो न्यायिक अधिकारियों के सामने कार्रवाई में दिया। जैकलिन के वकील ने नोरा के आरोपों को गलत बताया है, साथ ही उन्होंने नोरा को चेतावनी दी है। जैकलिन के वकील ने कहा, नोरा फतेही ने किसी भी कार्यवाही के होने से पहले मुकदमे की कॉपी लीक कर दी है, इसलिए जैकलिन अब जरूरत पड़ने पर कानूनी तौर पर नोरा फतेही के खिलाफ मानहानि का केस कर सकती हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोरा और जैकलिन के बीच छिड़ी जंग लंबी चल सकती है। आपको बता दें, नोरा ने जैकलिन फर्नांडिस पर मानहानि का केस करते हुए आरोप लगाया है कि 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनका नाम जबरदस्ती इस्तेमाल किया गया। उनका सुकेश से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सुकेश को उसकी पत्नी लीना मौर्या पॉल के जरिए जानती थी। नोरा ने सुकेश से किसी भी तरह के महंगे गिफ्ट्स लेने की बात को पूरी तरह से गलत बताया है। वेल, अब देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोरा और जैकलिन के बीच छिड़ी ये जंग कहां जाकर खत्म होती है।